अस्सलाम वालेकुम बाबा, आवाज़ अच्छे पे मुझे। अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, आर यू लिसनिंग मी? यस सर, वालेकुम सलाम। आज पर पाण चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट कंदासीं ऐं ही जेके चैप्टर्स आहिनि लास्ट वारा, इहे ज़्यादातर तव्हांखे रीड करण जा आहिनि ऐं इन में घणियूं शयूं जेके आहिनि उहे रीडिंग सां तव्हांखे ईंदियूं, छो जो नाला आहिनि या कुझु शयूं आहिनि। पर चैप्टर नंबर 11 जेकॾहिं तव्हां पढ़ी वठंदव त ज़्यादातर ॿियूं शयूं जेके आहिनि तव्हांजे लाइ क्लियर थी वेंदियूं ऐं आसान थी वेंदियूं। चैप्टर नंबर 11 जो नालो आहे ईको सिस्टम, असां हिनखे चवंदा आहियूं। चैप्टर नंबर 11 आहे पुट असां वटि ईको सिस्टम। चैप्टर 11 दैट इज़ ईको सिस्टम। And you know very well, ecosystem is the unit of ecology, we can say. And nandade unit ke ecosystem jo naalo dibo hai. Ecosystem paan chanda hai, interaction of biotic and abiotic things in given area. आर वी कैन से सेम एरिया। ऐं 1935 में इहो वर्ड टेंसले इंट्रोड्यूस करायो, टेंसले 1935 में इकोसिस्टम वारो वर्ड टेंसले इंट्रोड्यूस करायो। एंड यू नो वेरी वेल अबाउट द इकोलॉजी। इकोलॉजी पाण नॉर्मली चवंदा आहियूं, इकोलॉजी टेकन फ्रॉम द इकायोस मां वरितल आहे, जंहिंजो मतिलबु होम आहे, मीन्स होम। ऐं 1869 में अर्नेस्ट हेकल ही वर्ड इंट्रोड्यूस करायो, ऐं इन प्रोटिस्टा जो कंसेप्ट बि इंट्रोड्यूस करायो अर्नेस्ट हेकल। हेकल 1869 में हिन इंट्रोड्यूस करायो ऐं उन इकायोस मां वरितल आहे। इकायोस जो मतिलबु ई होम आहे, होम आहे। ऐं अहिड़े तरीक़े सां स्टडी एक्सेप्ट किया सर, लेक्चर रिकॉर्ड कजो। हाँ, रिकॉर्ड थे पियो, रिकॉर्ड थे पियो लेक्चर। इकायोस जो मतलब होम आए, ट्री ग्रीक वर्ड आए जै इकायोस में वरतल आए, मीन्स होम। आर वी कैन से द लिविंग प्लेस, होम चेबो या इन लाइ तुम वर्ड यूज कर सको था लिविंग प्लेस। ऐं इनखे अॼुकल्ह इनवायरमेंटल बायोलॉजी बि चइबो आहे। इकोलॉजी खे इनवायरमेंटल बायोलॉजी चइबो आहे। ऐं इकोलॉजी जी तव्हांखे ख़बर आहे साइंटिफिक स्टडी अबाउट द इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ऐं इनवायरमेंटल बायोलॉजी में असां चवंदा आहियूं इंटरेक्शन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ इनवायरमेंट। दिस इज़ मोर एडवांस बायोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी या एडवांस तरीक़ेकार आहे जंहिंजे लाइ पाण यूज़ कंदा आहियूं। बाक़ी हिते असां वटि आलमोस्ट जेके शयूं ॾिनल आहिनि उहे तव्हांखे ख़बर आहे त सभ खां नंढी शइ जेका सुञाणण जे लिहाज़ सां पाण यूज़ कयूं था, दैट इज़ अ स्पीशी। दिस इज़ द यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, वी कैन से ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन इंटरब्रीड, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स दैट कैन इंटरब्रीड जे लाइ पाण वर्ड यूज़ कंदा आहियूं। ऐं इकोलॉजी जे अंदरि इकोसिस्टम खां बाद में ॿी शइ हूंदी आहे पापुलेशन। पापुलेशन जो मतिलबु आहे सिंगल टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स, ऑर्गेनिज़म्स ऑफ सेम स्पीशीज प्रेजेंट इन गिवन एरिया, प्रेजेंट इन गिवन एरिया, कंहिं पर्टिकुलर एरिया ते जेकॾहिं अवेलेबल हुजनि। हाणे हिकिड़ी शइ यादि रखंदो पुट, इकोलॉजी जूं ॿ ब्रांचिस आहिनि कॉमनली असां स्टडी कंदा आहियूं। वन इज़ द पॉपुलेशन इकोलॉजी एंड अदर इज़ द कम्यूनिटी इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी जो मतिलबु आहे जॾहिं तव्हां हिकिड़े क़िस्म जे जानवरनि खे स्टडी कयो, जंहिंखे पाण आटो इकोलॉजी बि चवंदा आहियूं। आटो इकोलॉजी आर आल्सो नोन एज़ पॉपुलेशन इकोलॉजी।
is study about population. माना जेकॾहिं पॉपुलेशन जी स्टडी कंदो तव्हां, फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां वटि प्लांट्स अवेलेबल आहिनि कंहिं बि गिविन एरिया में, फॉर एग्ज़ाम्पल 100 मैंगो प्लांट आहिनि ऐं 20 एपल प्लांट आहिनि, 13 बनाना प्लांट अवेलेबल आहिनि फॉर एग्ज़ाम्पल, त तव्हांखे जेकॾहिं चवंदो त पॉपुलेशन स्टडी कयो, मैंगोस जी स्टडी कयो, तव्हां छा चवंदो 100 मैंगोस जेके आहिनि उन्हनि खे स्टडी कयो, बाक़ी भले एपल मौजूदु हुजनि, बनाना मौजूदु हुजे, ग्रासिस मौजूदु हुजनि, का बि शइ अवेलेबल हुजे. But we will be considered here, yeah, we will be means concerned with this one, that are the mangoes. Ta ede tarike sa jekne tama community ji gal kanda sir baba sir girls ki join karai jo त अहिड़े तरीक़े सां पुटु पाण वटि हिकिड़ी शइ आहे कम्यूनिटी इकोलॉजी आहे. कम्यूनिटी पहिरीं आहे ऑटो इकोलॉजी, पॉपुलेशन इकोलॉजी, माना जेकॾहिं हिकिड़े क़िस्म जे जानदारनि खे तव्हां स्टडी कंदव त हुनखे ऑटो इकोलॉजी चइबो आहे, पर जेकॾहिं सभु जानदार हिकिड़े गिविन एरिया में पढ़ंदव त हुनखे कम्यूनिटी, पहिरीं कम्यूनिटी आहे छा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज़म्स present in same area, or we can say given area. तमामु ज़िंदा जानदार जेके कंहिं गिविन एरिया में मौजूदु आहिनि. हाणे जेकॾहिं हिते तव्हां सभिनि खे स्टडी कयो, फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हां वटि 100 मैंगो आहिनि, मैंगो प्लांट आहिनि, 20 एपल प्लांट आहिनि, ऐं 13 फॉर एग्ज़ाम्पल बनाना प्लांट आहिनि. हाणे जेकॾहिं इन्हनि सभिनि खे जेकॾहिं तव्हां लाॻीतो स्टडी कंदव, तव्हां चवंदव दैट इज़ द कम्यूनिटी इकोलॉजी, दैट नोन एज कम्यूनिटी इकोलॉजी, आर आल्सो नोन एज साइन इकोलॉजी. हुनखे ऑटो इकोलॉजी चइबो आहे, माना हिकिड़ी क़िस्म जे जानदारनि खे हिन में पाण स्टडी कंदा आहियूं. स्टडी अबाउट कम्यूनिटी, कम्यूनिटी जे इकोसिस्टम खे स्टडी कंदा आहियूं, कम्यूनिटी जी इकोलॉजी खे स्टडी कंदा आहियूं. जेकॾहिं तव्हां हिकिड़े क़िस्म जे जानदारनि खे स्टडी कंदो उनखे ऑटो इकोलॉजी चइबो. स्टडी अबाउट कम्यूनिटी, कम्यूनिटी इकोलॉजी, साइन इकोलॉजी जे लिहाज़ सां, साइन इकोलॉजी जो मतिलबु आहे जॾहिं सभिनि क़िस्मनि जे जानदारनि खे जेकॾहिं स्टडी कंदो त उनखे पाण कम्यूनिटी इकोलॉजी चवंदा आहियूं. जेकॾहिं हिकिड़े क़िस्म जे जानदार खे स्टडी कंदो तव्हां हुनखे ऑटो इकोलॉजी जो नालो ॾींदा आहियूं. हाणे उनखे ऑटो इकोलॉजी खे बायोसिंथेसिस बि चइबो आहे. ऐं अहिड़े तरीक़े सां पाण वटि लिविंग इन्वायरमेंट अवेलेबल आहे. पाण पहिरें बि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ी आयासीं, स्पीशीस खां बाद में पॉपुलेशन खां बाद में असां वटि कम्यूनिटी खां बाद में इकोसिस्टम, ऐं इकोसिस्टम खां बाद में पाण वटि बायोस्फीयर आहे. बायोस्फीयर चइबो आहे पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एग्ज़िस्ट, ज़मीन जो उहो हिसो जिते ज़िंदा शयूं रही सघनि. ऐं रहण जे लिहाज़ सां ॿ शयूं आहिनि, वन इज़ द हैबिटाट चइबो आहे वेयर ऑर्गेनिज़म इज़ प्रेज़ेंट, हाणे हैबिटाट में तव्हां हिकिड़ो इक्वेटिक हैबिटाट हूंदो आहे, ॿियो टेरेस्ट्रियल हूंदो आहे. हाणे उन हैबिटाट में बि जेकॾहिं पर्टिकुलर लोकेशन ॿुधायो था त उनखे इकोलॉजिकल निच चइबो अथव. हैबिटाट ऐं इकोलॉजिकल निच में फ़र्क़ु आहे. इकोलॉजिकल निच चइबो आहे, निच पर्टिकुलर एड्रेस खे चइबो अथव, पर्टिकुलर एड्रेस खे चइबो अथव. जीअं फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांखे चवंदे त पला मछी असांखे जेका आहे ताज़ा पाणी में मिले थी, या असांखे जेका आहे ताज़ा पाणी ऐं फ्रेश वाटर ऐं मेरीन वाटर जिते मिलनि था उन एरिया में मिले थी, त
तव्हां ताज़ा पाणी जे अंदरि तव्हां कंहिं रिवर ॿिए में ॻोल्हींदव तव्हांखे कान मिलंदी, तव्हांखे किथे मिलंदी स्पेशली जेका आहे तव्हां इन ठठे ऐं हैदराबाद खां वठी करे समुंड ताईं जेको छोड़ करे थो पाणी उन जे अंदरि तव्हांखे हीअ शइ मिलंदी। त इन जे लिहाज़ सां तव्हां नॉर्मली जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल अर्थवाम खे स्टडी करण था चाहियो, अर्थवाम टेरेस्ट्रियल ज़रूरु आहे पर टेरेस्ट्रियल होमन सां गॾोगॾु जेको आहे उहो असल में कंहिं पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में मिले थो ऐं उन पर्टिकुलर इन्वायरमेंट खे पाण नालो ॾींदा आहियूं त दैट इज़ द लैंड एरिया स्पेशली द सैंडी सॉइल रेती वारी 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 मिटी वारी ज़मीन जेका हूंदी आहे उते स्पेशली इहे मिलंदा आहिनि। त ईको सिस्टम खे जेकॾहिं पाण ॾिसूं त ईको सिस्टम हमेशह यादि रखंदो उहो ई हली सघंदो, माना जीअं ॿारनि जे असां चवंदा आहियूं त सेंटर उहो ई हली सघंदो जंहिंमें टीचर महिनत कंदा, टीचर पंहिंजा क्लास वठंदा, टीचर भले ई क्लास वठनि ऐं कोर्स कंप्लीट कराइनि त ऐं उन खां बाद में टेस्टूं वठनि ऐं प्रॉपरली स्टूडेंट खे सपोर्ट कंदा, ज़ाहिर ॻाल्हि आहे उहो ई सिस्टम हलंदो न। त अहिड़े तरीक़े सां ई असां चवंदा आहियूं ईको सिस्टम उहो हली सघंदो जंहिंजे अंदरि फ्लो ऑफ एनर्जी जेका आहे, फ्लो ऑफ एनर्जी ऐं उन खां बाद में साइकिलिंग ऑफ मैटर हूंदो, माना जंहिं ईको सिस्टम जे अंदरि एनर्जी फ्लो कंदी हिकिड़ो जानवर ॿिए खे खाईंदो, ॿियो जानवर टे खे खाईंदो ऐं अहिड़े तरीक़े सां उनजे अंदरि मैटर बि फ्लो कंदो ऐं एनर्जी बि मिलंदो। पर जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल उन ईको सिस्टम जे अंदरि कंहिं बि जानवर जे लाइ खाधो अवेलेबल न आहे त ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे उहो जानवर गोवेट गांव थींदो, वरी कंहिं ॿिए जानवर जे लाइ खाधे जी अवेलेबिलिटी घटि थींदी, वरी उहो जानवर घटि थींदो, आहिस्ता आहिस्ता तव्हां ॾिसंदो पोइ ईको सिस्टम अल्टीमेटली तबाह थी वेंदो आहे या बर्बादु थी वेंदो आहे। त अहिड़े तरीक़े सां तव्हां ईको सिस्टम जो एग्ज़ाम्पल वठी सघो था त हिन दुनिया में ईको सिस्टम उहो ई हली सघंदो जंहिंजे अंदरि तव्हां फ्लो ऑफ एनर्जी ऐं मैटर खे कंटिन्यू रखंदो ऐं नेचुरल ईको सिस्टम जेके हूंदा आहिनि सेल्फ रेग्यूलेटिंग हूंदा, सेल्फ रेग्यूलेशन हूंदी आहे हुन में ऐं उन खां बाद में सेल्फ सफिशंट हूंदो आहे, सेल्फ सफिशंसी या सफिशंट हूंदो आहे, माना को बि ईको सिस्टम एतिरे ताईं नथो हली सघे जेतिरे ताईं उहो सेल्फ रेगुलेशन न करे, उनजे अंदरि प्रोड्यूसर्स हुजनि, उनजे अंदरि कंज्यूमर्स हुजनि, उनजे अंदरि डीकम्पोज़र्स हुजनि ऐं उहो पंहिंजो पाण जेको आहे शयुनि खे रेगुलेट कंदो रहे। पर जेकॾहिं फॉर एग्ज़ाम्पल उन जॻह ते का बि शइ अवेलेबल आहे ऐं उते डीकम्पोज़र्स न आहिनि त जानवर जेके मरनि था उहे डीकम्पोज़ ई नथा थियनि, उहे शयूं जमा थींदी वञनि जंहिंजे करे उहो एनवायरमेंट गंदली गंदगी आलूदगी या कंहिं प्रॉब्लम जो शिकार थींदो। तंहिंजे करे ईको सिस्टम उहो हलंदो जिते सेल्फ रेगुलेशन हूंदी ऐं सेल्फ सफिशंट माना उन में पंहिंजो पाण मटीरियल्स भरियल हूंदा, कंहिं ॿिए खां इमदाद वठण जी ज़रूरत न पवंदी, कंहिं ॿिनि शयुनि खां जेको आहे उनखे मटीरियल खणण जी ज़रूरत न पवंदी। जी बाबा सर जवाहर निज़ामानी खे जॉइन करायो, लेट छो थी जॉइन कनि, कान्हे उहो आहे न, कंहिंखे जॉइन कयां उहो आहे कान, त अहिड़े तरीक़े सां ईको सिस्टम जेको आहे उहो सेल्फ रेगुलेशन ऐं सेल्फ सफिशंट हूंदो अथव जेकॾहिं उनजे अंदरि खाधे जी अवेलेबिलिटी आहे, माना बायोटिक ऐं ए बायोटिक ॿई फैक्टर प्रॉपरली हुअणु खपनि, बायोटिक ऐं ए बायोटिक ॿई शयूं हुअणु खपनि, माना जेकॾहिं बायोटिक मौजूदु आहे ए बायोटिक न आहे, जेकॾहिं ए बायोटिक आहे त बायोटिक न आहे, त इन्हनि ॿिन्हिनि तरीक़नि सां तव्हां कंहिं ईको सिस्टम खे हलाए नथा सघो, माना तंहिंजे करे ज़िंदा शयुनि जो बि प्रॉपर हुअणु ऐं ज़िंदा शयुनि सां गॾोगॾु डेड नॉन लिविंग थिंग्स जो हुअणु ज़रूरी आहे। तंहिंजे करे पाण हाणे हलंदासीं त ईको सिस्टम जे लिहाज़ सां पाण वटि ईको सिस्टम घणनि ई क़िस्मनि जा हूंदा आहिनि, पर जनरली जेकॾहिं पाण ईको सिस्टम ॾिसूं त ईको सिस्टम में ॿ इम्पॉर्टेंट शयूं आहिनि, वन आर द बायोटिक फैक्टर्स एंड अदर आर नोन एज ए बायोटिक फैक्टर्स, जेके बायोटिक फैक्टर्स आहिनि दैट आर नोन एज अ लिविंग थिंग्स, बायोटिक फैक्टर्स में तमामु लिविंग थिंग्स थियूं अचनि, ज़िंदा जानदार था अचनि ऐं इन बायोटिक कंपोनेंट्स में जेकॾहिं पाण ॾिसंदासीं त वन आर द प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स आहिनि माना तमामु आटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स,
ऐं तव्हां यादि रखंदो पुटु, आटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स जे करे ई दुनिया हले पई, छो जे जेकॾहिं आटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स न हुजनि हा त सन लाइट कैन नॉट कन्वर्टेड इन टू द जेके आहिनि न्यूट्रिएंट्स या खाधे में तव्हां कन्वर्ट ई न करे सघो था। त इन करे प्रोड्यूसर ई दुनिया में मेन इम्पोर्टेंट आहिनि, जेके इनऑर्गेनिक मटीरियल मां ऑर्गेनिक मटीरियल्स ठाहिनि था ऐं ऑर्गेनिक मटीरियल्स खे वरी कंज्यूमर्स ठाहिनि था। त इन करे प्रोड्यूसर्स पाण वटि ॿिनि क़िस्म जा आहिनि, हिकिड़ा कीमोट्रॉफिक आहिनि, ॿिया फोटोसिंथेटिक आहिनि। कीमोसिंथेटिक ऐं फोटोसिंथेटिक ॿिन्हिनि खे पाण प्रोड्यूसर्स चवंदा आहिनि। फोटोसिंथेटिक उहे जेके सनलाइट खे यूज़ कनि ऐं कीमोट्रॉफिक जेके आहिनि उहे सल्फर, हाइड्रोजन, आयरन ऐं नाइट्रोजन खे यूज़ कनि, उन्हनि जे लाइ चवंदा आहिनि। प्रोड्यूसर्स खां बाद में नेक्स्ट वन आर द कंज्यूमर्स। कंज्यूमर तव्हां असां आहियूं। कंज्यूमर्स हिकिड़ा हूंदा आहिनि प्राइमरी कंज्यूमर्स माना हर्बीवोर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स माना कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, ऐं टर्शरी कंज्यूमर्स प्रीडेटर्स, ऐं क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स स्पेशली जेके आहिनि पाण डीकम्पोज़र्स जे लाइ यूज़ कंदा आहिनि। तंहिं करे उहे जानदार टिनि कैटेगरीज़ में पाण इन्हनि खे विरिहाईंदा आहिनि, माना हिकिड़ा उहे प्रोड्यूसर, ॿिया जेके आहिनि कंज्यूमर, टिया जेके आहिनि डीकम्पोज़र। कंज्यूमर्स आर ऑल्सो कंपोज़र कंज्यूमर्स, पर इहे इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ्स न हूंदा आहिनि, इहे एब्ज़ॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ हूंदा आहिनि। कंज्यूमर में हिकिड़ा आहिनि प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट आर द हर्बीवोर्स, ॿिया आहिनि सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दैट आर नोन एज़ अ कार्निवोर्स एंड ओमनीवोर्स, टिया हूंदा आहिनि टर्शरी कंज्यूमर्स जिन्हनि खे पाण प्रीडेटर्स चवंदा आहिनि, ऐं चोथा हूंदा आहिनि डीकम्पोज़र्स या क्वार्टरनरी कंज्यूमर्स हूंदा आहिनि। ऐं इहे कंज्यूमर्स डीकम्पोज़र्स जेके आहिनि इहे ऑर्गेनिक मटीरियल खे इनऑर्गेनिक वर्क कंदा आहिनि, दैट्स वाई दे आर नोन एज़ अ रीसाइकलर्स। प्रोड्यूसर्स ऐं डीकम्पोज़र्स हुअणु ज़रूरी आहे। जेकॾहिं प्रोड्यूसर्स अवेलेबल आहिनि त उहे खाधे खे इनऑर्गेनिक मटीरियल खे ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कंदा आहिनि, ऐं जेके डीकम्पोज़र्स आहिनि ऑर्गेनिक खे वरी इनऑर्गेनिक मटीरियल में कन्वर्ट करण जे लाइ रिस्पॉन्सिबल आहिनि। ऐं ए बायोटिक शयुनि खे जेकॾहिं पाण ॾिसंदासीं त ए बायोटिक फैक्टर्स जेके आहिनि इन्हनि खे वरी घणनि ई कैटेगरीज़ में पाण विरिहायूं था। हिकिड़ा आहिनि असां वटि क्लाइमेटिक फैक्टर्स, वन आर इम्पॉर्टेंट वन आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ऐं ॿिया आहिनि जंहिंखे पाण क्लाइमेटिक फैक्टर खां बाद में टोपोग्राफिक फैक्टर्स, एंड नेक्स्ट वन थर्ड वन इज द एडेफिक फैक्टर्स। कंहिं बि इकोसिस्टम जा ही टे फैक्टर्स अथव एबायोटिक। वन आर द क्लाइमेटिक फैक्टर्स, जंहिंमें लाइट, टेम्परेचर, एयर, सॉयल, वाटर सभु शयूं अची वञनि। टोपोग्राफिक मीन्स टॉप ऑफ द अर्थ, ज़मीन जी मथां ई जेका रीजन आहे हुनजे। एडेफिक फैक्टर्स बि अहिड़े तरीक़े सां आहिनि जिन खे पाण जनरली डिस्कस कयूं था। पहिरियों आहे त क्लाइमेटिक फैक्टर्स में पाण खे इन लिस्ट करे वठंदा। क्लाइमेटिक फैक्टर्स माना नेचुरली जेके आहिनि इन्वायरमेंट में जेके शयूं अवेलेबल आहिनि। हाणे क्लाइमेटिक फैक्टर्स में वन इज़ द लाइट। लाइट इज़ नोन एज़ अ रेडियंट एनर्जी। लाइट इज़ रेडियंट एनर्जी। लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज़म बिकॉज प्रोड्यूसर्स कैन सिंथेसिस फूड मटीरियल। तमामु दानदार जेके बि आहिनि दुनिया में जानदार रहनि था, उन्हनि जानदारनि जी सर्वाइवेबिलिटी जेका आहे डायरेक्टली आर इनडायरेक्टली प्रोड्यूसर्स ते डिपेंड कंदी आहे। तव्हां भले डायरेक्टली पता प्लांट न खाओ, पर कंहिं न कंहिं तरीक़े सां तव्हां उन्हनि प्लांट्स ते ज़रूरु डिपेंड कंदा आहियो। त तंहिंजे करे असां चवंदा आहियूं प्रोड्यूसर्स जेके आहिनि उहे डिपेंड कनि था लाइट ते। ऐं लाइट जे लिहाज़ सां पाण खे ख़बर आहे त सन लाइट मां रेड एंड ब्लू लाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, छो जो फोटोलाइसिस लाइ प्लांट फोटोलाइसिस लाइ जेके एनर्जी खे या सनलाइट खे यूज़ करे थो उनमें रेड एंड ब्लू लाइट आहे। प्लांट में इंटेंसिटी ऑफ लाइट, क्वांटिटी ऑफ लाइट ऐं क्वालिटी ऑफ लाइट जो मेन एंड इम्पॉर्टेंट अथव। इंटेंसिटी ऑफ लाइट माना लाइट जी शिदत केतिरी आहे, क्वालिटी ऑफ लाइट लाइट जेका आहे रेड एंड ब्लू लाइट अवेलेबल आहे, ऐं क्वांटिटी ऑफ लाइट जो मतिलबु आहे हाउ मच लाइट इज़ अवेलेबल ऑन द अर्थ, दैट इज़ अ फोटोपीरियडिज़म। त इन लाइट जी इंटेंसिटी जे बेस ते पाण वटि प्लांट ॿिनि क़िस्मनि जा आहिनि। हिकिड़ा आहिनि हेलिकोफाइट्स। हेलिकोफाइट्स दैट ग्रो ऑन एक्सपोयर, खुलियल एरिया ते ग्रो कंदा आहिनि जिते सनलाइट डायरेक्टली लॻंदी आहे। ॿिया हूंदा आहिनि सोशोफाइट्स,
शेडी प्लेसेस दे, शेडी प्लेसेस ते ग्रो कंदा आहिनि, छांव या छांवरे वारी जॻह ते ई प्लांट जेके आहिनि ग्रो कंदा आहिनि। हेलिकोफाइट्स उहे जेके एक्सपोयर ते खुलियल रीजन्स ते ग्रो कनि, ऐं उन खां बाद में सोशियोफाइट्स उहे जेके छांवरे वारे रीजन ते या वणनि जे हेठां या कंहिं ॿिए इन्वायरमेंट जे लिहाज़ सां छांव ते जेके प्लांट्स ग्रो कंदा आहिनि उन्हनि जे लिहाज़ सां हूंदो आहे। ऐं लाइट ड्यूरेशन मेंशन थो जंहिंखे पाण लाइट ड्यूरेशन जो मतिलबु आहे फोटोपीरियडिज़म। फोटोपीरियडिज़म जे लिहाज़ सां पाण पहिरें बि पढ़ी आयासीं त जेके आहिनि शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट। ऐं अहिड़े तरीक़े सां पाण वटि लाइट जी क्वालिटी बि तव्हांखे पहिरें ॿुधाए आयसि त क्वालिटी कहिड़ी हुअणु खपे। क्वालिटी जे लिहाज़ सां पाण ॾिसंदासीं त रेड एंड ब्लू लाइट प्लांट यूज़ कंदा अथऊं, रेड एंड ब्लू लाइट। क्वांटिटी जे लिहाज़ सां, क्वालिटी जे लिहाज़ सां रेड एंड ब्लू लाइट, ऐं उन खां बाद में लाइट ड्यूरेशन या क्वांटिटी जे लिहाज़ सां फोटोपीरियडिज़म, ऐं इंटेंसिटी ऑफ लाइट जे लिहाज़ सां ही अथव हेलिको एंड सोशियोफाइट्स। इंटेंसिटी ऑफ लाइट चई सघो था तव्हां ईअं। हाणे अहिड़े तरीक़े सां पाण वटि टेम्परेचर बि आहे। यू नो वेरी वेल त प्लांट्स या जेके बि जानदार आहिनि उन्हनि खे टेम्परेचर जी बि ज़रूरत पवंदी आहे। टेम्परेचर पाण डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस खे चवंदा। जेके बि प्लांट्स असां वटि सर्वाइव कंदा उहे 0 to 50 सेंटीग्रेड आराम सां रही सघंदा, बट मोर ऑप्टिमम टेम्परेचर या मोर फेवरेबल टेम्परेचर इज़ 0 to 10 to 35 सेंटीग्रेड। 0 to 50 सेंटीग्रेड टेम्परेचर जेको आहे उहो इम्पॉर्टेंट आहे, ऐं उन खां बाद में 10 to 35 सेंटीग्रेड जेको आहे दिस इज़ ऑप्टिमम टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर आहे हीअ 10 to 35 सेंटीग्रेड जेको आहे इहो ऑप्टिमम टेम्परेचर आहे, ऐं इहो ऑप्टिमम टेम्परेचर स्पेशली 10 to 35 सेंटीग्रेड ते हूंदो आहे। ऐं वाटर जे लिहाज़ सां पाण ईंदासीं, वाटर यू नो वेरी वेल त ज़मीन मां प्लांट खे पाणी खपे थो, ऐं पाणी फोटोलाइसिस जी मदद सां प्लांट यूज़ करे थो, ऐं इन्हीअ मटीरियल खे स्पेशली प्लांट उन मां हाइड्रोजन खे रिलीज़ करे करे ग्लूकोज ठाहिण में यूज़ कंदो आहे। ऐं तव्हां असांजे लाइ बि पाणी ज़रूरी आहे, जंहिंखे पाण हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जी मदद सां मेंटेन करायूं था। ऐं पाणी ज़मीन ते तक़रीबन 75% वाटर आहे, ऐं अबाउट लेस देन 15% जेको आहे लैंड एरिया या ज़मीन आहे। ऐं पाणी जे करे ई ज़्यादातर ज़मीन जेका आहे उहा सरियाब बि आहे, ऐं तव्हां असां जेके प्रॉपरली रही सघंदा। तक़रीबन समंड खां 85% प्रिसिपिटेशन थींदी आहे, इहा थींदी आहे एवापोरेशन थींदी आहे, ऐं असां वारे एरिया खां तक़रीबन 15% त पर बारिश जेका आहे असां वटि 15% पए थी, ऐं समंड जे मथां जेको आहे उहो 15% पए थी। 85% बारिश असांजे मथां पए थी। वरी ॿुधी वेंदो, एवापोरेशन ऑफ वाटर 85% जेका आहे उहा समंड खां थिए थी, मथे वञे थो पाणी, एवापोरेट थी करे क्लाउड्स आहे थो, ऐं उहे क्लाउड्स असां तव्हांजे मथां अची करे तक़रीबन 85% बारिश कंदा, ऐं जॾहिं त असां खां जेका एवापोरेशन थिए थी उहा 15% आहे। समंड जे मथां 15% बारिश पवंदी आहे, असांजे मथां 85% ऐं हुनजे मथां 15% वारी बरसाति पए थी। एंड अदर वन इज़ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर चइबो आहे, एटमॉस्फेयर एंड विंड जंहिंखे पाण चवंदा आहियूं। एटमॉस्फेयर चइबो आहे ब्लैंकेट ऑफ गैसिस खे, हवा जे दाब खे, ज़मीन जे मथां जेका हवा जी लेयर मौजूदु आहे हुनखे पाण एटमॉस्फेयर चवंदा आहियूं, ऐं ब्लोइंग एयर खे विंड चइबो अथव, ऐं विंड हमेशह पोल टू इक्वेटर मूव कंदी अथव। फॉर एग्ज़ाम्पल हीअ असां वटि ज़मीन आहे त इनखे पाण इक्वेटर चवंदा, ऐं इन जा जेके पासा आहिनि उनखे पाण पोल जो नालो ॾींदा आहियूं, दिस इज़ पोल। त विंड जनरली मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, हवा जो जेको प्रेशर हूंदो आहे उहो किथां खां हूंदो आहे, पोल टू इक्वेटर जी तरफ़ हूंदो आहे। त तंहिंजे करे हवा हमेशह जेका आहे मूव कंदी आहे फ्रॉम पोल टू इक्वेटर, ऐं एटमॉस्फेरिक प्रेशर जेको आहे डिक्रीज़ थिए थो हेठि हाई एल्टीट्यूड रीजन्स जेके हूंदा आहिनि, मथां जेके रीजन्स हूंदा आहिनि उते जेके हैवी गैसिस हूंदियूं आहिनि उहे हेठि मौजूदु हूंदियूं आहिनि, लाइट गैसिस मथे अवेलेबल हूंदियूं आहिनि। तंहिंजे करे मथे जीअं जीअं वेंदव तव्हां त ऑक्सीजन जी तव्हांखे कमी मिलंदी मथे नॉर्दर्न एरियाज़ में या माउंटेनियस एरियाज़ में। ऐं नेक्स्ट वन इज़ द फायर।
बा हमेशा तव्हांखे ख़बर आहे ज़बान सां ई लॻाइबी आहे अॼुकल्ह त पहिरें माचिस जी ज़रूरत पवंदी त ज़्यादातर कंहिं बि कंहिं बि विढ़ाइणो आहे तव्हां ज़बान सां विढ़ाए सघो था माण्हुनि खे पाण में झगड़ो कराइणो आहे विढ़ाइणो आहे पर नॉर्मली असां जेकॾहिं फायर जी ॻाल्हि कंदासीं त फायर बाह जेका लॻे थी हिकिड़ी लाइटनिंग मां लॻे थी या थंडर स्ट्रॉम मां लॻे थी लाइटनिंग खिवण जेका आहे थंडर स्ट्रॉम मां लॻे थी या उन खां बाद में वेलकेनो जेके आहिनि उन्हनि मां लॻे थी या उन खां बाद में कंहिं बि शइ जी फ्रिक्शन कयो था माना पथर या का बि शइ फ्रिक्ट कयो था उन जे लिहाज़ सां या फ्रिक्शन सां लॻंदी आहे पोइ फ्रिक्शन ॿिनि तरीक़नि सां माना हिकिड़ी थी आहे तव्हां को पथर वग़ैरह पाण में फ्रिक्शन करायो ऐं ॿियो इहो आहे त नॉर्मली तव्हां कंहिं बि जॻह ते फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं बैम्बू शूट्स आहिनि फॉरेस्ट में एमेज़ॉन्स जा जेके फॉरेस्ट आहिनि उन्हनि में अचानक बाह भड़की उथंदी आहे छाजे करे छो जो हुन में बैम्बू शूट्स या ॿिया प्लांट जेके आहिनि ड्राई फॉर्म में उन्हनि जा लीव्स अवेलेबल न आहिनि ऐं जॾहिं उहे लीव्स पाण में फ्रिक्शन कंदा आहिनि उन्हनि मां बाह भड़की पवंदी आहे ऐं उहा अचानक जेका बाह लॻंदी आहे उन एरिया खे तबाह करे छॾींदी आहे जेका लास्ट ईयर ऑस्ट्रेलिया में आई जंगली जीवत खे हुन तबाह करे छॾियो ऐं इलाही सारा जानदार जेके मारे छॾिया पर फायर में हर जानदार जेको आहे स्पेशली परेशान हूंदो आहे पर कुझु अहिड़ा जानदार बि आहिनि जेके फायर में जेके आहिनि सर्वाइव करे सघनि था जीअं पाण वटि पेरोफाइलस फंगस अथव पेरोफाइलस फंगस अथव पेरोफाइलस फंगस हिकु अहिड़ो फंगस आहे जेको ज़्यादातर टेम्परेचर जे लिहाज़ सां उहो ग्रोथ कंदो आहे बाह में उहो ग्रोथ कंदो आहे त उनजे लिहाज़ सां तव्हांखे यादि हुजे पेरोफाइलस फंगस दैट लव टू लिव इन द प्रेज़ेंस ऑफ फायर बारिश जी कंडी इन में फायर जी कंडीशन में बि पंहिंजो पाण खे सर्वाइव करण जे लिहाज़ टोपोग्राफी टॉप ऑफ अर्थ खे चइबो आहे टोपोग्राफिक फैक्टर्स टॉप ऑफ अर्थ खे चइबो अथव ज़मीन जो जेको मथां शिरो आहे टॉप ऑफ अर्थ ज़मीन जो मथां शिरो किथे माउंटेन्स आहिनि इहे त किथे इनक्लाइंड आहे किथे वरी अहिड़े तरीक़े सां जेके आहिनि खुलियल रीजन्स आहिनि तव्हां अहिड़नि खे चवंदो एल्टीट्यूड्स आहिनि एल्टीट्यूड ऐं हीउ वारो रीजन जेको आहे इनखे पाण स्लोप चवंदा आहियूं ऐं हीउ वारो रीजन जेको आहे उहो पाण एक्सपोयर चवंदा आहियूं त ज़्यादातर असांजी ज़मीन जो जेको मथां छिरो आहे हिकिड़ा त माउंटेन्स आहिनि जेके मथां आहिनि जंहिंखे पाण एल्टीट्यूड चवंदा आहियूं ऐं ॿिया इनक्लाइंड आहिनि माना पहाड़ खां हेठि जी तरफ़ तव्हां अचो तव्हां त तव्हांखे स्लोप वारी कंडीशन मिलंदी ऐं ॿिया रीजन्स जेके आहिनि खुलियल आहिनि जिते आम जानदार जेके आहिनि आसानी सां रही सघनि था ऐं ॿी कंडीशन हूंदी आहे त दैट इज़ द एडेफिक फैक्टर एडेफिक फैक्टर्स चइबो आहे कंपोज़िशन ऑफ अर्थ खे या सॉयल खे एडेफिक फैक्टर्स में कंपोज़िशन ऑफ सॉयल खे ॾिसंदा आहियूं पाण ऐं कंपोज़िशन ऑफ सॉयल जी जेकॾहिं पाण स्टडी कंदासीं त उनखे पेडोलॉजी चइबो अथव पेडोलॉजी साइंटिफिक स्टडी अबाउट द केमिकल कंपोज़िशन ऑफ सॉयल ज़मीन छाजी थियल आहे मिटी छाजी थियल आहे वारी रेती पथर छाजा थियल आहिनि इन्हनि में कहिड़ा कहिड़ा मिनरल्स आहिनि इन्हनि में कहिड़ियूं कहिड़ियूं शयूं आहिनि ज़मीन फर्टाइल छो आहे फर्टाइल छाजे करे न आहे या ज़मीन किथे जेका आहे कीअं ठहे थी कहिड़े तरीक़े सां ठहे थी उन्हनि सभिनि फैक्टर्स खे जेकॾहिं तव्हां स्टडी कंदव त उनखे एडेफिक फैक्टर्स जो नालो ॾिबो आहे एडेफिक फैक्टर्स जो मतिलबु इहो आहे त ज़मीन जी केमिकल कंपोज़िशन या सॉयल जी केमिकल कंपोज़िशन कीअं आहे ऐं जेकॾहिं ज़मीन जे मिटीअ जे ठहण वारे प्रोसेस खे पढ़ंदो त उनखे पेडोजेनेसिस चइबो आहे फॉर्मेशन ऑफ सॉयल त ज़मीन कीअं थी ठहे मिटी कीअं थी ठहे ऐं मिटीअ जे ठाहिण वारे प्रोसेस खे जेकॾहिं तव्हां स्टडी कंदव त उनखे पाण नालो ॾींदा आहियूं पेडोलॉजी या पेडोजेनेसिस जो नालो ॾींदो आहे पेडोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सॉयल पेडोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सॉयल मिटीअ जी जेकॾहिं तव्हां स्टडी कयो था उनखे पेडोलॉजी चइबो आहे ऐं जेकॾहिं उनजी मिटीअ ठहे कीअं थी फॉर एग्ज़ाम्पल मिटीअ जेका आहे वेदरिंग सां ठहंदी आहे वेदरिंग सां माना फॉर एग्ज़ाम्पल थंडर स्टॉर्म थो थिए या उन खां बाद में कंहिं बि क़िस्म जी का कंडीशन आहे फॉर एग्ज़ाम्पल जीअं पाण ॾिसूं था मथां ई इलाइक़े में जेकॾहिं बारिश पए थी त उन पाणीअ सां गॾु मिटीअ सां गॾु पाणीअ सां गॾु जेको आहे मिटी अची थी वञे ऐं ज़मीन जे मथां हिकिड़ी लेयर ठहे थी
अड़े किस्म की लेयर से कें फॉर्मेशन थे थी पेडोलॉजी पेडोजेनेसिस के लिहाज से पा नॉर्मली जैसे स्टडी कहे तो पेडोलॉजी चब साइंटिफिक स्टडी अबाउट द साइंटिफिक स्टडी अबाउट द सॉइल के लिए मिट्टी कि कड़े तरीके से यह डेवलप थे थी या वेदरिंग से थे थी या उन बाद में मुख्तलिफ़ किस्म जहाँ फैक्टर्स जैसा थे थी तो उनके पा नालो दूँता दैट इज़ द पेडोलॉजी एडिफिक फैक्टर्स बायोटिक फैक्टर्स तक हाँ पढ़ाया जैमें प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर्स बिहार सब जानदार अची था अड़े किस्म की कंडीशन के पा पेडोलॉजी पेडोजेनेसिस के लिहाज से पा स्पेशली नालो था दूँ तो ये कड़े तरीके से ये कंडीशन्स हाँ इन बाद में बायोलॉजिकल साइकिल है तो पा वट वन इज द नाइट्रोजन नाइट्रोजन साइकिल है नाइट्रोजन साइकिल जो मतलब है जमीन ते नाइट्रोजन केतरी परसेंटेज में अवेलेबल है 78% नाइट्रोजन है 78% नाइट्रोजन है जमीन में इनते हवा में जो 78% नाइट्रोजन है बाकी भी इशू वी कैन नॉट इनहेल ऑक्सीजन नाइट्रोजन डायरेक्टली इनटू द ब्लड पा पी बॉडी के अंदर नाइट्रोजन के एब्जॉर्ब नथा करे सकूं छाजे करे बिकॉज लंग्स की जो मेम्ब्रेन है दैट्स नॉट परमिएबल लंग्स की जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है वो परमिएबल ना ते कर ये नॉर्मली अस इन शय के यूटिलाइज न कर सकता है तो अड़े तरीके से जैसे पा अगते था अचूँ तो पा वट जमीन के मथा जो नाइट्रोजन कड़े तरीके से अस फिक्स क्यों था तो टे तरीकेकार वन इज़ द फर्स्ट सोर्स उन फर्स्ट सोर्स में डीकम्पोजिशन है दैट इज़ अ डीकम्पोजिशन डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल है डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल है हाँ ये ऑर्गेनिक मटीरियल कड़े तरीके से डीकम्पोज थन्दा यू नो वेरी वेल दिस वन डीकम्पोजिशन जो है वह कैंजी थी स्पेशली जो पा जानदार मरंदा डेड ऑर्गेनिक मटीरियल्स हूँ जानदार जो मरंदा उन्होंने डीकम्पोजिशन थी उन्होंने भी वही स्टेप्स हूँ पे अमूनिफिकेशन थी पे अमूनिफिकेशन थी अमूनिफिकेशन में स्पेशली जो है अमोनिया की फॉर्मेशन थी लेटर ऑन नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया जो लाइक नाइट्रोसोमोनास कन्वर्ट द अमोनिया इंटू नाइट्रेट कहना नाइट्रोबैक्टर जो कन्वर्ट इंटू द नाइट्रेट्स कहना कहना नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया पे ऐसा ऑर्गेनिक मटीरियल जो है ऑर्गेनिक मटीरियल के बिन स्टेप में ब्रेक कबो है उनमें पे निकरंदी है अमोनिया चाहती है अमोनिया लेटर ऑन नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया जो अमोनिया के कें में कन्वर्ट कहना अमोनिया कन्वर्टेड इंटू नाइट्रेट्स नाइट्रेट्स का बाद में ये कन्वर्ट थन्दा नाइट्राइट्स में तो अड़े तरीके से नाइट्रेट्स के नाइट्राइट में कन्वर्ट करने के लिए स्पेशली कें शे की जरूरत पे थी जानदारन की जरूरत पे थी इन शयन के पान स्पेशली दिसंदा इतने सेकंड जो मेन स्टेप है सेकंड सोर्स है जो सेकंड सोर्स जो है स्पेशली वह अस सॉइल नाइट्रेट्स हूँ जमीन के अंदर जो नाइट्रेट्स अवेलेबल हूँ उनको है उन्होंने केर कन्वर्ट बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है माना इन जहाँ टे सोर्सिस अस वन इज़ द डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल्स माना जो ऑर्गेनिक मटीरियल्स उन्होंने डीकम्पोजिशन है ऑर्गेनिक मटीरियल्स के पान कह जानदार डीकम्पोज कह उन नाइट्रेट्स की फॉर्मेशन थी तरीकेकार यो है जमीन के अंदर जो प्लांट जो रूट्स अवेलेबल हैं उन्होंने रूट्स के अंदर राइजोबियम रेडिसी कोला बैक्टेरिया राइजोबियम रेडिसी कोला बैक्टेरिया की अवेलेबिलिटी है
या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया अवेलेबल हूंदा आहिनि जेके नाइट्रेट्स जी फॉर्मेशन नाइट्राइट्स ऐं नाइट्रेट जी फॉर्मेशन कंदा आहिनि ऐं अहिड़े तरीक़े सां त अहिड़े तरीक़े सां बैक्टीरिया स्पेशली जेके आहिनि इन्हनि शयुनि खे जेके आहिनि फिक्स कंदा आहिनि ऐं थर्ड सोर्स हूंदो डॉक्टर थंडर स्ट्रॉम थंडर स्ट्रॉम्स थंडर स्ट्रॉम आहे थंडर स्ट्रॉम स्पेशली छा खे चइबो आहे थंडर स्ट्रॉम जे लिहाज़ सां जेकॾहिं पाण ॾिसंदासीं त मथे गजगोड़ थिए थी खिविण थिए थी ऐं हुन गजगोड़ या खिविण मां कंहिं शइ जी फॉर्मेशन थिए थी स्पेशली गजगोड़ या खिविण मां कंहिं शइ जी फॉर्मेशन थिए थी गजगोड़ या खिविण जे लिहाज़ सां जेकॾहिं पाण ॾिसूं त उन गजगोड़ या खिविण में जेका हवा में ऑक्सीजन मौजूदु आहे उहा ऑक्सीजन नाइट्रोजन सां रिएक्ट करे थी ऐं उन मां नाइट्रेट ऐं नाइट्राइट जी फॉर्मेशन थिए थी ऐं इहे नाइट्रेट ऐं नाइट्राइट जेके आहिनि नाइट्रेट ऐं नाइट्राइट जेके आहिनि स्पेशली थंडर स्ट्रॉम जी मदद सां ज़मीन ते अचनि था ऐं पाणीअ में वञनि था ऐं पाणी मां प्लांट जेको आहे उहो रूट्स में एब्ज़ॉर्ब करे थो हिकिड़ो मिंट त अहिड़े तरीक़े सां सॉरी बेटा आवाज़ अचे पियो गर्ल्स जी सर त थंडर स्ट्रॉम जे लिहाज़ सां माना हीअ टे तरीक़ेकार आहिनि हिकिड़ो तरीक़ेकार आहे ऑर्गेनिक मटीरियल जेके जानदार मरनि था उहे डीकम्पोज थींदा ऐं उहे डीकम्पोज थियण खां बाद में उन्हनि मां नाइट्रेट्स ऐं नाइट्राइट जी फॉर्मेशन थिए थी ऐं प्लांट खणंदा ऐं ॿियो तरीक़ेकार छा आहे थंडर स्ट्रॉम आहे थंडर स्ट्रॉम जो मेन मतिलबु इहो हूंदो आहे थंडर स्ट्रॉम जो मेन मतिलबु इहो हूंदो आहे त जेका आहे हवा में गजगोड़ थिए थी ऐं उन सां नाइट्रोजन ऐं ऑक्सीजन रिएक्ट कंदा नाइट्रेट ऐं नाइट्राइट जी फॉर्मेशन थिए थी ऐं अहिड़े तरीक़े सां उहो पाणी सां गॾु ज़मीन ते अचे थो ऐं ज़मीन मां प्लांट उनखे खणनि था ऐं अहिड़े तरीक़े सां उन्हनि खे जेका आहे हिकिड़ी क़िस्म जी तॾहिं चइबो आहे बारिश पवण सां जेका आहे प्लांट ग्रीन थी वेंदा आहिनि प्लांट जी ग्रीनरी अची वेंदी आहे प्लांट में ग्रीनरी छो ईंदी आहे छो जो हुनखे नाइट्रोजन मिलंदी आहे यानी प्लांट खे ज़ाहिरी ॻाल्हि आहे नाइट्रोजन मिलंदी त उनजी जेका लीव्स आहिनि ग्रीन लीव्स जेके आहिनि उहे डेवलप थींदा उनमें ग्रीन लीव्स जी जेका उहा डेवलपमेंट थींदी आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां ॿियो असां वटि हूंदो आहे डी नाइट्रीफिकेशन जो मतिलबु इहो आहे त नाइट्रोजन जेके ज़मीन में मौजूदु आहिनि ज़मीन जे अंदरि जेके नाइट्रोजन आहे उन नाइट्रोजन खे हवा में रिलीज़ कराइण जे लाइ बैक्टेरिया अवेलेबल हूंदा आहिनि डी नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया आर प्रेज़ेंट इन द सॉयल दैट रिवर्स द प्रोसेस छा कंदा आहिनि प्रेज़ेंट इन सॉयल बैक्टेरिया उन्हनि खे डी नाइट्रीफाइंग बैक्टेरिया चवंदा दैट रिवर्स द प्रोसेस माना जेके नाइट्रेट ऐं नाइट्राइट आहिनि नाइट्रेट ऐं नाइट्राइट जेके आहिनि जंहिंसां नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आहिनि इहे नाइट्रोजन ऑक्साइड बजाए हिनजे जेके आहिनि प्लांट जी तरफ़ वियो वञे मटीरियल हाणे उहे प्लांट जी तरफ़ वञण जे बजाए हवा मां नाइट्रोजन जेको आहे हवा में रिलीज़ कराए छॾींदा आहिनि माना अहिड़ा बैक्टेरिया जेके ज़मीन में नाइट्रोजन जी कमी पैदा कनि नाइट्रोजन के ज़मीन जे अंदरि घटि कनि
अड़न बैक्टीरिया के पान नालो दिना दैट आर द डीनाइट्रिंग फैक्ट बैक्टीरिया आ जमीन बंजर की वेंदी जमीन बंजर की वेंदी है उन जमीन के बंजर थियण जो मेन रीजन हों जमीन के अंदर नाइट्रोजन स्पेशली जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करे करे प्लांट न मिली सकती है नाइट्रोजन हवा में एवेपोरेट कर बाद में पान नेक्स्ट जो कंडीशन नेक्स्ट वन इज द इंटरेक्शन से या इंटरेक्शन पा बार बार पढ़ी है इतने वरी उनके रिपीट करने की जरूरत ना इतने इन्होंने वरी दोबारा रिपीटेशन की है जानदार की पा में इंटरेक्शन है नेगेटिव इंटरेक्शन चैप्टर वन में पढ़ी आया पा नेगेटिव इंटरेक्शन में यू नो वेरी वेल दैट इज अ पैरासाइटिज्म जो प्लांट पैरासाइट्स पैथोजिन्स जो डिजीज काज कर उनमें एंडो पैरासाइट्स भी अचन एक्टो पैरासाइट्स भी अचन सेम बायोसिस वो प्रोसेस भी पा पढ़ी आया म्यूचुअलिज्म कमेंसलिज्म वाली कंडीशन म्यूचुअलिज्म जो मतलब है म्यूचुअली बेनिफिटेड जैसे बिन्हीं जानदारों के फायद पे तो उनके म्यूचुअलिज्म चो है जैसे कें एक जानदार के फायद पे बे के नुकसान में फायद तो उनके कमेंसलिज्म चो है प्रीडेशन यू नो वेरी वेल दैट इज द शिकारी जानदार ज़हीर ही शाह जो है गल चाहे इरफान कें फोन की दर्जी तो अड़े तरीके से प्रीडेशन स्पेशली शिकार करण के चो है जैमें हॉक्स लाइन्स टाइगर या ये तमाम शूं पा पढ़ी आयासी इन वक्त तक यह खबर बुधाने की जरूरत ना प्रीडेशन हूँ प्रीडेटर्स कन जो प्रे हूँ उन्दा ग्रेजिंग का मतलब है हर भी वोरी गाह वोरी पा चवे इन बाद में नेक्स्ट जी शे बटे दफा इनकी डेफिनेशन दिनी अन वो है इकोलॉजिकल सक्सेशन की या दिनी अन इकोलॉजिकल सक्सेशन जो मतलब यो अव जमीन के मथा जो जानदार मौजूद हैं ऑर्डरली चेंज थींदा रहंदा हैं जानदार जो उन्हें तब्दीली इंदी रहंदी है थींदी रहंदी है तो अड़े किस्म की कंडीशन के पान नालो दिंदा आहियूं सक्सेशन दिस इज द प्रोसेस of orderly change in community जानदारन जी कम्युनिटी में वक्तन फावक्तन तब्दीली इंदी रहंदी है माना कई जगह ते जेकडे जानदारन जी तादाद तमाम घणी थी वने तो उनके क्लाइमेक्स चेबो दो क्लाइमेक्स हाने जी ह्यूमन जी पॉपुलेशन जे काय वो क्लाइमेक्स में हुई करोना जो दूर कर माना ह्यूमन की पॉपुलेशन जो है तादाद में बदलती पे वे तो नेचर दिसो कड़ी कादिर है कड़ी कुदरत रखे थी तो कें भी शे के एट वंस तबाह कर सी लखन की तादाद में मानू मरी आ बगैर कें वजह के इं ही कें जगह नागासाकी दिसो या हिरोशिमा दिसो उनमें तो ह्यूमन जो एक्टिविटीज हैं पर इतने नेचुरल फिनोमिना दिसो अड़ियों वबाई बीमारियों अचानक अच्छी वे तादाद इंसान की घट थी या उनका बाद में कें भी जानवर की तबाही थी या जानवर जो है मरी सकता यो सक्सेशन वो कंसेप्ट कें इंट्रोड्यूस करा दैट वॉज द हार्ट कुंडी डी छो पान में जान तो नॉर्मली हार्ट है 1885 में 1885 में हार्ट एक साइंटिस्ट हो जै पेरी मरतबा ऑर्डरली चेंज कर ऑर्डरली चेंज जो मतलब यो है सॉरी सक्सेशन के स्टडी क्यों उनमें अस चाहिए तो वन इज द प्राइमरी सक्सेशन जो मतलब है कें भी जगह से जो जानदार मौजूद आज फर्स्ट टाइम वो पान के एडॉप्ट कन उनके पान प्राइमरी सक्सेशन चाहिए फॉर एग्जाम्पल को एरिया है जिते कुछ भी ना का भी शे ना तो उन जगह से पे लाइकन की अरेंजमेंट थी लाइकन जो मतलब है तो उते फंगस अलजी की पान में एसोसिएशन थी यानी फंगस अलजी पान में एसोसिएशन क्या एक ऑटोट्रॉफिक बया हेट्रोट्रॉफिक बई मिली कर उतने न्यूट्रिएंट्स के डिपॉजिट कह उन न्यूट्रिएंट्स के असाया प्लांट्स या बया जानदार यूज करे करे वड़ा थी ना जैसे सब का पे उतो भी जानदार डेवलप थो उन पायोनियर
पायोनियर जे केन स्पीशी जो नालो डिबो आएंगे लीडर चे बो आएंगे पायोनियर मींस लीडर या उन जिला तवा चई सगो ता दैट इज प्राइमरी कम्युनिटी डेवलप थी आए वरी समझी वणो दोबारा समझी वणो जिते का भी शे ना है कुछ भी ना है बिल्कुल एरिया बंजर आए उते पहली मर्तबा जानदार एडॉप्ट थियण शुरू थिन ऐं कम्युनिटी डेवलप थी वञे त उन खे प्राइमरी सक्सेशन चइबो आहे हाणे उहा प्राइमरी सक्सेशन जेका पहिरीं दफ़ा डेवलप थी आहे उन ते को ज़लज़लो अची वञे को वल्केनो अची वञे का सैलाब अची वञे कंहिं क़िस्म जी बाह लॻी वञे अचानक उहा कम्युनिटी ख़तमु थी वञे ऐं उन जॻह ते वरी नवां जानदार जेकॾहिं डेवलप थियणु शुरू थियनि त उनखे पाण सेकेंडरी सक्सेशन जो नालो ॾींदा आहियूं सभ खां पहिरीं जेके जानदार डेवलप थिया उन्हनि खे पाण नालो ॾिनासीं प्राइमरी सक्सेशन माना आहिस्ता आहिस्ता पहिरें जेके प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोज़र ईअं डेवलप थिया ऐं हिकु वॾी कम्युनिटी डेवलप थी वई हाणे जेकॾहिं उन जॻह ते अचानक को वेलकनो थो थिए या कंहिं क़िस्म जो को सैलाब थो अचे या कंहिं बि क़िस्म जी का कंडीशन थी थी पए ऐं उहे जानदार मरी था वञनि ख़तमु थी था वञनि त अहिड़े क़िस्म जी कंडीशन खे पाण नालो ॾींदा आहियूं दैट इज़ द सेकेंडरी सक्सेशन हाणे डेवलपमेंट में जेके बि स्टेजिस हूंदियूं उनजे लाइ वर्ड यूज़ कबो थो सीअर उनजे लाइ पाण वर्ड यूज़ कंदा आहियूं सीअर चाहे पाणी जे अंदरि हुजे त हाइड्रोसीअर ख़ुश्की ते हुजे त उनखे ज़ीरो सीअर ऐं जेकॾहिं सुठी ज़मीन ते हुजे त उनखे पाण मीज़ोसीअर जो नालो ॾींदा आहियूं ऐं जेकॾहिं जानदार पहिरीं मरतबा किथे इंट्रोड्यूस थींदा उन्हनि खे पाण नालो ॾींदासीं माना पहिरीं मरतबा लीडरशिप कंदा त उनखे पायोनियर स्पीशी चइबो आहे पर जॾहिं उहे तादाद में वधी वञनि त उन जे लाइ पाण वर्ड यूज़ कंदा आहियूं क्लाइमेक्स जो हाणे हमेशह यादि रखो जॾहिं बि का शइ क्लाइमेक्स में वेंदी आहे त वरी उहा डिक्लाइन में बि ईंदी आहे छो जो सस्टेन करणु ॾाढो ॾुखियो हूंदो आहे कंहिं बि इन्वायरमेंटल कंडीशन जे लिहाज़ सां हाणे हिते सभु प्लांट्स जा नाला ॾिनल आहिनि तव्हां वटि इन्हनि खे जेकॾहिं ॾिसणु चाहियो तव्हां ॾिसी सघो था त हाइड्रोसीअर में हाइड्रेक हूंदो अथव हाइड्रेक माना पाणी जे अंदरि चेंजिस ईंदियूं आहिनि त पाणी जे अंदरि जेके चेंजिस ईंदियूं आहिनि पहिरियां पहिरियां हिते पाणी जे अंदरि फाइटो प्लांटन्स डेवलप थींदा आहिनि हाइड्रोसीअर में जेकॾहिं तव्हां ॾिसणु चाहियो था त सभ खां पहिरें पाणी जे अंदरि कहिड़ा प्लांट्स था अचनि फाइटो प्लांटन्स हिकिड़ा हूंदा आहिनि ज़ू प्लांटन्स ॿिया हूंदा आहिनि फाइटो प्लांटन्स फाइटो प्लांटन्स माना प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स प्लांट लाइक ऑटोट्रॉफिक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज़म्स आर नोन एज अ फाइटो प्लांटन्स ॿिया हूंदा आहिनि ज़ू प्लांटन्स एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर प्रोटोज़ोन्स चई सघो था तव्हां एनिमल लाइक यूनिसेल्युलर फ्लोटिंग ऑर्गेनिज़म्स आर नोन एज़ अ ज़ू प्लांटन्स प्लांट लाइक यूनिसेल्युलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज़म्स आर नोन एज़ अ फाइटो प्लांटन्स हूंदा आहिनि हाणे हिते नाला बि ॾिनल अथव स्पीशीज़ जा जीअं कॉमनली अल्जी आहे साइनोबैक्टेरिया आहे या मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा जेके आहिनि बैक्टेरिया आहिनि उहे ज़्यादातर फाइटो प्लांटन्स में ईंदा आहिनि ऐं तव्हांजो ज़ू प्लांटन्स में एमोबा पैरामीशियम युगलिना इहे तमामु जानदार जेके आहिनि उहे फाइटो प्लांटन्स में ईंदा आहिनि सभु मर्ज्ड स्टेज में छा हूंदो आहे डेथ एंड डीके ऑफ द फाइटो प्लांटन्स एंड ज़ू प्लांटन्स थींदी आहे ऐं इन में हाइड्रिला वल्सेरिया कोटामेगाटोन्स एलोडिया ऐं एनिमल्स में तव्हां वटि ब्लू फिश आहे सन फिश आहे डेफनिया आहिनि इहे तमामु जानदार अची था वञनि ऐं फ्लोटिंग स्टेज में डेथ एंड डीके ऑफ सभु मर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स विद द एक्युमुलेशन ऑफ सेडिमेंट्स इन मां का अहिड़ी शइ ईंदी न आहे पर वरी बि तव्हां नेम्स यादि रखंदो ऐं इनखे ॾिसी वठंदो ज़ीरो सीअर जेका आहे उहा ड्राई प्लेसिस ते हूंदी अथव ऐं ख़ुश्कीअ ते पहिरें लाइकन डेवलप थींदी पोइ फोलियोज़ ऐं फ्रक्टोज़ लाइकन डेवलप थींदी ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेके आहिनि तव्हां वटि मोस स्टेज आहे जंहिंमें पाणी जी तमामु घणी घटिताई थी वेंदी ऐं ज़्यादातर प्लांट्स जेके आहिनि उन जॻह ते डेवलप थी वेंदी हर्ब्स जेके आहिनि उन्हनि ॿूटनि खे चइबो आहे जेके नंढड़ा पितकड़ा नवां प्लांट्स हूंदा आहिनि वरी उते शर्ब्स कुझु वॾा प्लांट डेवलप थींदा शर्ब्स खां बाद में क्लाइमेक्स वारे टाइम पीरियड ते ट्रीज़ डेवलप थींदा इहे तव्हां पाण इनखे ॾिसी वठिजो त इन में आहिनि छा ऐं कहिड़ी शयूं पहिरीं शइ तव्हां साइंटिस्ट जो नालो यादि रखंदो डेफिनेशन ऑफ सक्सेशन यादि रखंदो ऐं इन जी स्टेजिस खे यादि रखंदो सीअर छा खे चइबो आहे हाइड्रोसीअर छा आहे मीज़ोसीअर छा आहे ऐं उनखां बाद में ज़ीरो सीअर छा आहे यादि रखंदो प्राइमरी सक्सेशन ऐं सेकेंडरी सक्सेशन खे यादि रखंदो जी बाबा सर सीयर जी मीनिंग छा है जी सर तव्हां सीयर वर्ड यूज कयो उन जो मतलब छा है सीयर असां चवंदा आहियूं फॉर एग्जांपल कंहिं भी एनवायरमेंट में क
कंहिं बि जॻह ते जेकॾहिं कुझु बि नाहे त उन जॻह ते जेके प्लांट नवां डेवलप थियनि था, फर्स्ट जेका स्टेज डेवलप थिए थी, तरतीबवार जानदारनि जे अचणु या डेवलप थियण वारी कंडीशन खे पाण सीअर जो नालो ॾींदा आहियूं। प्लांट जी ज़मीन ते या एनिमल्स जी ज़मीन ते जेका सक्सेशन आहे कंहिं बि एरिया में, उनखे पाण जेको आहे नालो ॾींदा आहियूं सीअर। हाणे फॉर एग्ज़ाम्पल तव्हांजो घरु आहे, तव्हां रहो पिया त तव्हां जॾहिं घर जे अंदरि रहो पिया, तव्हांजी सफ़ाई सुथराई हुअण जे करे तव्हांजो को बि जानदार डेवलप नथो थिए, पर महीने जे लाइ जेकॾहिं ॻोठु हलिया वेंदो वरी मोटी ईंदो, तव्हांजे घर जी कहिड़ी हालति हूंदी, तव्हां ॾिसंदो उते जेके आहिनि मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा अलजी फंगस डेवलप थी वेंदा, ऐं उन सां गॾो गॾु तव्हां जेके आहिनि इंसेक्ट्स जाम सारा डेवलप थी वेंदा। प्लांट्स जेके आहिनि जेके तव्हां वारा हूंदा उहे भले मरी वञनि पर ॿिया प्लांट डेवलप थियणु शुरू थींदा। त इहा जेका डेवलपमेंट हूंदी आहे उनखे पाण नालो ॾींदा आहियूं, इहा सक्सेशन आहे, ऐं उन सक्सेशन स्टेज वाइज़ थींदी आहे, ऐं उन स्टेज हर हिकिड़ी स्टेज खे सीअर जो नालो ॾींदो आहे। क्लियर?